जिंदा है मुसाइमत। आपको तंग करते रहेंगे और करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। हम बलोच है, आप लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है। जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद है जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए। जिंदा है मुसाइमत। हो जाए हर माँ बाप को यही दिन देखने पड़े। आप सब ने हमारे साथ तकलीफें झेली आज, क्योंकि जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद है जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड ज़रूर देना चाहूँगी, मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज़ मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है, इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। वन यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई, वन यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों को की भी बेहरमती हुई है। 35-35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त है। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा जर्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम जर्फ वाली कौमें हैं, हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है। आप देखिए, आपने इन औरतों पर जुल्म किया, आपने इन औरतों को मारा, आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम लावारिस नहीं है, हमारी कौम हमारे साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं कि इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा।
इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी है इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्ल कुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्ल कुशी को कानूनी करार दो। जाओ कौमी असेंबली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्ल कुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत बूट की सियासत है और वो बूट की सियासत आप सब कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया सबके सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उनसे पूछती हूँ क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है क्या आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है? बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहे कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है आयात बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आपके उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना उसको वही बदवाएं मिलती रहेंगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्ल कुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे आपका जुर्म, आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो अपने मुआवजों की करतूतें, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओ के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था उसको मारा गया, उसके दो भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है ये तहरीक। मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुर्बत से निकले थे इनको नहीं पता था कामयाबी। पता है क्या है कामयाबी? ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें, हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी।